भगत नरिंद्रिया कहता मैं जानता मसे रंगण नूं दो सिखां ने वढ़िया ते इक दा पिंड ना अता पता मैं जानता मीरांकोट दे विच रहिंदा है मताब सिंह उहदा नां है। मीरांकोट पिंड दे उपर चढ़ाई कीती फौजदार नूरदीन ने। पिंड दा पंच नत्था खहरा उहदी ड्यूटी लाई लभ के लिया मताब सिंह नूं। वो कहिंदा जी मताब सिंह तां कई महीनिआं तों पिंड दे विच वड़िआ नहीं, उहदा जंगलां दे विच लुक छिप के दिन कट्टदे। कहिंदे मताब सिंह नहीं आया तां फिर उहदा कोई रिश्तेदार माँ बाप या बच्चा कोई वह पेश कर। जदों इन्हां तुरकां ने इदां आखिआ नत्था खहरा पिंड दे विच गिआ ते छेआं सत्तां सालां दा बालक सी भाई मताब सिंह दा उस वेले जिहदा नां है राय सिंह। सोचदा नत्था खहरा कि जे ये बच्चे नूं मैं फड़ा दिता ते तुरकां ने तां इस बालक नूं मार देना ते चंगे लोकां दी सभा दे विच मैं की मूँह दिखावांगा। जे मताब सिंह उसने मैनू ये बच्चा सौंपिया सी कि मैं तां चलिया जंगल विच पंथ दी सेवा नूं ते मेरे पुत्तर दा ध्यान रखी। जे मताब सिंह ने आके मेरे तो बच्चा मंग लिया मैं की करांगा। नत्था खहरा उस वेले राय सिंह नूं गोदी चक के कंध टप के भज गया। नत्थे खहरे दे नाल इहदा पुत्तर अपना इसका भाणजा इहदा एक नौकर ते दरबार ते चार पंज जाने भज्जे ने ते उधरों हर भगत नरिंद्रिए ने फौजां नूं खबर दे दित्ती वी नत्था खहरा भज गया। नूरदीन फौजदार घोड़ियां दे उत्ते फौज भजा के दौड़ा के इन्हां भज्जे जांदियां नूं घेरा पाया। उस वेले ये चारों पंजों जाने जाना हूल के लड़े। नत्था खहरा अपने तीर कमान दे नाल लड़दा है ते जिहड़ा ये बच्चा छेआं सत्तां सालां दा राय सिंह ये भज भज के लत्तां दे विच वड़दा चिमड़दा लत्तां गोली चलदी है बच्चा डरदा है। थोड़े समय बाद इन्हां तुरकां ने नत्थे खहरे उहदे भाणजे उहदे पुत्तर नौकर ते दरबार नूं सारिआं नूं मार दित्ता कतल कर दित्ता। ये बच्चा रह गया सी ते इस बच्चे नूं पहलां घोड़े दी फेट मारी थल्ले डिग गया ते फिर इहदी धौण दे उत्ते वार कीता अद्धी गर्दन इस बच्चे दी कट्टी गई। पर कहिंदे परमेश्वर नूं जिसने रखना उस नूं कौन मार सकदा। उहदे गले दी घंडी उह बच गई सारा कुछ बच गई सी। दूजा वार कीता मोढ़े दीआं हंसली टुट गई ते तीजा वार तुरकां ने फिर बच्चे दे उत्ते कीता ते मोढ़ा चीरिया गया लहू लुहान वह बच्चा मिट्टी दे विच डिग्गा पिया ते इन्हां नूं मरिया समझ के तुरक वापस चले गए वी असीं मताब सिंह दे पुत्तर नूं मार दिता बदला लै लिया मसे रंगण दी मौत दा। उस वेले जदों इह तुरक चले गए इक माई साग वेचदी आउंदी सी ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਗ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੁੜਿਆਲੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਏ। ਰੁੜਿਆਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮੋਚੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਟਾਂਕੇ ਲਵਾਏ ਗਲਾ ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾ। ਅਤੇ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ फिर इस दे घरे एक पुत्तर ने जन्म लिया जिन्हां नाम रतन सिंह भंगू जिन्हां ने यह इतिहास लिखिया श्री गुरु पंथ प्रकाश। एक तरह वेखिए शहीदां दे कुल दे विचों है भाई रतन सिंह भंगू ते अपने वडेरियां दा अपने बाप दादियां दा शहीदां सिंघां दा इतिहास लिख रहे ने। कहिंदे मेरा बापू इदां बचिया सी ते राय सिंह नूं पंथ दे विच जिंदा शहीद दा खिताब मिलिया मर के बचिया सी। ते हुण भाई रतन सिंह जी भंगू अगे साखी सरवण करवाउण लगे हन। अमर शहीद भाई बोता सिंह ते गरजा सिंह उन्हां दो योधिआं सूरमिआं दी साखी प्रारंभ होण लगी है।
मनोबिरतियां एकागर करदिया होया शहीदां सिंघां दा ध्यान अपने हिरदे दे विच धारण करिए, उन्हां दे चरणां दे विच हाजरी लवाउंदिया होया गुरु दरबार दे विच समूह माई भाई आखणा करिए जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। साखी गोता सिंह की सुनी रतन सिंह कान। सार संगत जी भाई रतन सिंह जी पंगू लिखते ने कि हुण मैं भाई बोता सिंह ते गरजा सिंह की साखी शुरू करन लगा हाँ जो मैं अपने वड्डे वडेरियां तो सुनिया है। सिंघण की नंदिया सुनता जन कीनो शीश कुरबान। उन्हां सूरमियां दी गाथा मैं शुरू करन लगा जिन्हां ने सिखां दी निंदिया सुन के अपने प्राणा की आहुति दे दित्ती, पर सिंघां दी निंदा नहीं होण दित्ती। गुरु की निंदा सुना ना कान, खालसे पंथ दी निंदा केड़ा सुन सकदा। कहिंदे निंदा सुनन नालों चंगा उन्होंने अपने प्राण दे दित्ते। जति सती सो प्रण को पूरा। भाई बोता सिंह दी हुण सिफत करदे ने बड़े जति सती सूरमे सन ते अपने बचना दे पूरे सन, प्राण दे पूरे सन, बचना दे पूरे सन। गुरु को सेवक दिल को सूरो। गुरु दी सेवा करदे सी, गुरु घर दे सेवक सन, गुरु के सिखां दी सेवा करदे सी ते बचना दे पूरे सन। बोता सिंह तास को नाम। ते उन्हां दा नाम है भाई बोता सिंह। पुराने समयां विच अजिहे नाम रखे जांदे सी, बोता सिंह, झंडा सिंह, गरजा सिंह, पहाड़ा सिंह, अकाल कला सिंह, गड़गज सिंह, ये पुरातन सिंघां दे नाम ने। कहिंदे उस महान सूरमे दा नाम है भाई बोता सिंह। माझे में थोता को ग्राम। माझे दे विच उन्हां दा पिंड सी अमृतसर दे कोल। जवै दिए थे सिंह बहुमार। जदों जकरिया खां ने ऐलान कर दिता जो पिछे आपां कथा सुन के आए हैं ना, जिथे कोई सिखा का पता दसेगा उन्होंने 10 रुपये इनाम, कोई सिख का सिर कट के लियाएगा उन्होंने 80 रुपये इनाम। कहिंदे जदों जकरिया खां ने सारे सिंघां दा सफाया कर दिता पंजाब विचों, जिसे ना सुनिए महीने चार। कहिंदे कई महीनियां तो ना तो किसी सिंह नू किसी ने देखिया, ना किसी सिंह की गल किसी ने सुनी है। एक बार तो लोगों नू यकीन हो गया वे हुण सिख खत्म हो गए, हुण पंजाब की धरती दे विच कोई सिख जिउंदा नहीं रहा। कहें सिंह सब मर गल गए। लोगों के विच गल्लां शुरू हो गई भी सिंह तो या तो मर गए गल गए या फिर शहीदी पा गए हैं। तुरकन सिंह खपाए सोदए। क्योंकि तुरकां ने सारे सिंघां नू खपा दिता है। जिहड़ा खालसा जी दे झंडे झूलदे सी पंजाब की धरती ते, जो पंथ गुरु गोबिंद सिंह ने शुरू किया सी, ओ खालसा पंथ हुण खत्म हो चुका है। दंगा करतना कहूं अखारा। ना किसी ने सुनिया भी सिंघां ने किते घोड़े भजदे सुनीदे ने, ना किसी सिंह दे कोई अखाड़ा लगा, किसी सिंह ने मारा बकारा किया होवे, किसी सिंह ने जाके कोई जंग हल्ला गुला किया होवे। कहिंदे हुण तां आ खबर भी सुनन नूं नहीं मिलदी। इम कर कहें सब खालसा मारा। ते लोकी कहण लग पे पंजाब विच भी खालसा मारिया गया, हुण तां गुरु का खालसा खत्म हो चुका है। बोता सिंह कहूं वक रहे हो। ते सार संगत जी उस वेले एक सिंह आ किते जिउंदा सी बोता सिंह। हुण सिंह जंगलां विच लुक छिप के दिन कटदे, कोई बाहर नहीं निकलदा, ते बोता सिंह लुक छिप के दिन कटदा सी। किना फिरता ते देख सो लयो। ते कहिंदे इक वारी ते इधर आ नूरदीन दी सरां दे कोल झाड़ियां दे विच बोता सिंह बैठा सी। सिंह ते राहगीर जिहड़े लंघी जांदे सी उस वेले ना जीटी रोड़ा इधरों लंघदी हुंदी सी तरन तरन दे लागों, ते कहिंदे लोकां ने लंघे जांदिआं ने वेख्या वी झाड़ियां दे विच सिख लुकिआ बैठा, सिंह बैठा। लोकां ने वेख लिया। देखत सो अचंभे पयो। ते बड़े हैरान होए,
भी कई महीने हो गए ना तो कोई सिख देखिया तो ना किसी सिख की बात सुनी है। तो जो एकदम सिख सामने आया बोता सिंह झाड़ियों से बैठा देखिया लोगों ने तो लोग बड़े हैरान हुए। वहां सिंह जह जीवत रहे लोग फिर आपस में गल करते कहते आ सिंह कितों जिंदा हो गया आ सिंह भाई जिंदा किमें है आ सिंह यह किमें तुरया फिरदा है। ऐसे देखण वारण कहियो लोगों ने वेख्या सिंह नूं ते सिंह दी पछाण की है तेड़ कछहरा ते सिर दे उत्ते दस्तार है ते शरीर दे उत्ते कंबल दी बुकल मारी हुई है ते सिंह जदों वेख्या उहदा चेहरा मोहरा दाड़ा प्रकाश उह कहिंदे आ सिंह किवें जिउंदा इत्थे फिरदा है। ਉਹ ਵਗਭੇਖੀ ਕੋ ਜਹ ਰਹਿਓ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੋਈ ਭੇਖੀ ਆਊਗਾ ਉਹ ਭੇਖੀ ਜਿਵੇਂ ਅਭੰਡ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਅਭੰਡ ਨਕਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਕੋਈ ਰਾਵਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੇਖੀ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਭੰਡ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਹਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਹੂੰ ਤੁਰਕਣ ਦੇਖ ਪਾਏ ਰਾਹਗੀਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਦਿਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਗਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਇਰ ਕੂਰ ਲੁਕਾਏ ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਉਹ ਵੇਖ ਸਿੱਖੀ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਦਮਾਲਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਆ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਪਾਈ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੈ ਕਛਹਿਰਾ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਉਹਦੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਹਗੀਰ ਬੋਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੋਏਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਇਰ ਹੈ ਗੀਜੀ ਕੋਈ ਬੁਜਦਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੋ ਸੂਜ ਨਿਤ ਜੰਗ ਕਰੈ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਰਾਹਗੀਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਹੀ ਜੰਗ ਮਚਾਵੇ ਨਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਾ ਬਕਾਰਾ ਕਰੇ। ਖਾਲਸੋ ਸੋ ਨਮਨ ਤੇ ਡਰੈ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔਹਦ ਨਿਦਾਨ ਬਣੈ ਅਤੇ ਹੀਰਨ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਜ ਮਰੋ ਖਾਲਸਾ ਸੋਜੋ ਚੜ੍ਹੈ ਤਰੰਗ ਖਾਲਸਾ ਸੋਜੋ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੰਗ ਤੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਜੋ ਦੰਗਾ ਮਚਾਵੈ ਖਾਲਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗਾ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੁਰਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਸੂਜੋ ਸੀਸ ਲਗਾਵੈ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਿਖੇ। ਦੋਹਰਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਉਂ ਸੁਣੀ ਰਹਿਓ ਤਹਾਂ ਹੀ ਖਲੋਏ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਗੀਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਇਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਹ ਕਾਇਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਬੁਜਦਿਲ ਹੈ ਡਰਪੋਕ ਹੈ ਗੀਜੀ ਹੈ ਕਾਇਰ ਹੈ। ਜਨ ਵਿਸੂ ਕੋ ਡੰਕ ਲੱਗਿਓ ਲੱਗੀ ਬੋਲੀ ਸਿੰਘ ਸੋਏ ਜਦੋਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਜਦਿਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਡਰਪੋਕ ਗੀਦੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਲੱਗੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਛੂ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਚੌਪਈ ਸਿੰਘ ਚਿੱਤ ਜਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਧਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਸ ਲੱਗੇ ਬਿਨ ਗੱਲ ਨਹਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮਰ ਖੱਪ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰਪੋਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਇਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਰੀ ਨਾ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਹ ਕਦੇ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੀਸ ਲਗਾਏ ਚਰਚਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਸੀਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਲਗਾਇਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਇਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀਸ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੀਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਗ ਜੋ ਜਾਣਾ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹਜੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਵੇ ਨੀਹਾਂ ਕਿਸ ਦੰਗਾ ਮਚਾਈਏ। ਹੁਣ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਦੰਗਾ ਮਚਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਗੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੰਗ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਈਏ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਗਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਰਕਣ ਸਿਰ ਦਾ ਝੂਠੇ ਕਰਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੋਂ ਇਹ ਬਦਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਿੰਦ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਔਰੰਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਦਸਤ ਪੇਚੀ ਦੇ ਮਾਰ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੇਰਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਨਾਗ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਚਾਹੇ ਜੋਏ, ਆਪਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ। ਦੋਹਰਾ ਰਾਹੇ ਸਰਾਏ ਡੇਰਾ ਦਿਓ, ਚੌਹ ਤਰਫਾਂ ਲਿਓ ਬਣਾਏ। ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੱਕੜਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਤਾਨੇ ਡੱਕੇ ਜਿਹੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਛੰਨ ਜੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਡੇ ਇੱਕ ਛੰਨ ਜੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੰਨੋ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਲੜਕਣ ਜੈਸੀ ਖੇਲ ਜਿਓ, ਗੜਾ ਧਰਾਇਓ ਨਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਨੀ ਖੇਡ ਜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਈ ਲੱਕੜਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਘਰ, ਇਵੇਂ ਖੇਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਵੇਂ ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖੇਡ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਛੰਨ ਪਾ ਲਈ। ਚੌਪਈ ਬੈਠ ਸਿੰਘ ਤਹ ਜਗਾਤ ਲਗਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਛੰਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ, ਹੁਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਦੂਜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਜੀ ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਛੰਨ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡੰਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੁੰਗੀ ਲੱਗ ਗਈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੰਡਾ ਉਹੀ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਨਾਕਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੁਣ ਜਕਾਤ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੂਜਾ ਸਿੰਘ ਰੰਗੜੇਟੋ ਭਇਓ ਆਈ। ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ। ਦੋਵਾਂ ਰੌਲਾ ਦਿਓ ਮਚਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨੋ ਰੌਲਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੰਨ ਪਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਡੰਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਐਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕਰੇ ਰਾਹਗੀਰ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੰਗੀ ਲੱਗ ਗਈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਮਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ।
खबर लाहौर जम पुजे जाए। हुण जिहड़ा कोई आया करे पैदल बंदा उहनूं तां कहिंदे लिया टका लिया, हुण जिहड़ा कोई गड्डे वाला आया करे कोई खोता घोड़े वाला आया करे उह तों इक पैसा लैंदे इक आना उस तों लिया करदे, कहिंदे चुंगी लगदी। हुण लोकी सोचदे वी जकरिया तां कहिंदा सी सिख मर गए आह तां नाके लाई बैठे ने आह तां चुंगियां लाई बैठे ने टैक्स वसूलदे ने। ते उड़दी उड़दी गल लाहौर तक पहुँच गई, लाहौर तक गल पहुँच गई, खबर पहुँच गई किलिया के अंदर। दोहरा और चिट्ठी थी तिन लिखी जो सुन नवाब जल जाए। सार संगत जी फिर जदों एक दो दिन लंघ गए ना, चुंगी लाद्या टैक्स लाद्या एक दो दिन लंघ गए तो सिंह ने वेख्या भी अजे गल नहीं बनी भी कोई आया तो है नहीं लाहौर तो किले तो, कोई फौजा नहीं आईया कोई तोपा नहीं आईया आदि अजे गल नहीं बनी, लगता लोगों ने दसिया नहीं साढ़े बारे, कहिंदे हुण कुछ होर करना पवेगा। फिर बोता सिंह कहिंदे गरजा सिंह नूं भी इदां करदे आ आपां चिट्ठी लिखदे आ एक, राहगीर लंघे जांदे उहनां तों कागज लिया स्याही लई कलम लई ते फिर भाई बोता सिंह जी ने एक चिट्ठी लिखी है। चढ़ै फौज तिम तुरत ही कसू ना देर लगाए। चिट्ठी बना के लिखदे आ आ चिट्ठी पढ़ के तां फौजां दा की जकरिया खां भी आप लड़न लई आ जाएगा। जाओ भाई चिट्ठी लिखै जो सिंह बोता हथ है सोटा बिच रहा खड़ोता। सार संगत जी हुण भाई बोता सिंह ने चिट्ठी लिखी बड़ी कमाल दी, अज तक अजिही चिट्ठी नहीं कोई लिख सकिया। कहिंदे पुराने समय विच जदों चिट्ठी लिखे करदे सी सिंह जिथे शस्त्रां दी विद्या जाणदे ने ना उत्थे कलगीधर महाराज ने कलम दी विद्या भी बड़ी कमाल दी दित्ती सिखां नूं, बड़ी कमाल दी विद्या दित्ती है। जिथे तलवार वाणी जाणदे ने ते कलम चलाउणी भी जाणदे ने गुरु के सिंह वड्डे वड्डे कवि होए ने। इक महाराज दा घाइया सी ते उहदे कोल महाराज कोल पंडित आया, कहिंदा जी आ इहदे अर्थ करो। महाराज ने अर्थ कर दिते तो महाराज ने घाइया बुलाया अपना एक जिहड़ा घोड़िया की सेवा करता। पंडित कहिंदा मेरी कविता दे अर्थ नहीं कोई कर सकता। वह घाई कहिंदा दसो महाराज। महाराज कहिंदे भाई इहदे अर्थ कर दी कविता दे। उहनूं कविता सी नवसाद पीए नवसाद पीए नवसाद लीए नवसातन आए नौ ते सत सोलह। ते कहिंदे इस प्रकार कहिंदे नौवां सालां दा गभरू सोलह सालां दा, कहिंदे सोलह महीनियां बाद घरे आया सोलह सालां दी उहदी घरवाली ते उन्होंने कट्ठे हो के सोलह बाजियां वाली शतरंज खेडी। आ अर्थ सी ते हुण उह घाई सिंह ने अर्थ कर दित्ते। उह कहिंदे जी हुण मैं कविता उचारदा तुसीं अर्थ करिओ। ते कहिंदे भाई तूं करके दिखा फिर। हुण कलगीधर महाराज जी ने घाई ने जिहड़ा घोड़िया नूं घा पट्ठा पाउंदा सी उहने कविता उच्चारण कीती। कहिंदे मीन मरे जल के परसे कमहूना मरे जल पावक सिधाए। हुण अर्थ की कहिंदे मीन मरे जल के परसे ते मच्छी तां मरदी जे जल दे विच रहिंदी आ, कमहूना मरे जल पावक सिधाए। कहिंदे मरदी नहीं उदों तक जदों तक पानी चो ना बहार कीती है। हुण इह पुठे अर्थ बन गए इह उदों अर्थ होण ना पंडित जी तों ते महाराज उह खप गया। इदां ही कई समां लंघा दित्ता उसने ते उह घाई सिंह कहिंदा जी बहुता सोचण दी दिमाग लाउण दी लोड़ नहीं, बस जिहड़ा विश्राम है ना उह ना ते ला दिओ। मीन मरे जल के परसे ना बस कहिंदे इत्थे विश्राम ला दिओ अर्थ बन जाणगे। मीन मरे जल के परसे ना, जदों तक जल दे विच रहिंदी है मच्छी उदों तक मरदी नहीं, बस ये अर्थ सी। ते उह पंडित दा सारा हंकार दूर होया। इस प्रकार दे बड़े धुरंधर कवि होए ने गुरु घर दे विच। ते उसे प्रकार हुण कलम दी विद्या भाई बोता सिंह जी लिख रहे ने। चिट्ठी लिखी लिखिया सब तो उपर लिखतम सिंह बोता सिंह लिखिया जकरिया खान नूं, कहिंदे चिट्ठी लिखे जो सिंह बोता मेरे हाथ विच सोटा मोटा मैं राह दे विच खड़ोता तुझसे राज नहीं होता तू नलायक है खोता तू दर का जाएगा रोता। ते अंत विच की लिखते ने वो अगे दसते हैं
आना लाया गड्डे नूं पैसा लाया खोता। लिखिया चिट्ठी दे विच जकरिया खां आ वेख खालसे दा राज हो गया। आ जिहड़ी सड़क है ना नूरदीन दी सराह दी, ते इस सड़क ते असीं चुंगी लाई होई है। ते चुंगी किन्नी लाई है? आना लाया गड्डे नूं पैसा लाया खोता। जिहड़ा जिन्हें खोता लगाना इधरों उन्हों एक पैसा देना पवेगा, ते जिन्हें गड्डा लगाना है ते उसनों एक आना देना पवेगा। आख भाभी खानों नूं जो आखा सिंह बोता। अंत दे विच लिखिया भाई बोता सिंह ने चिट्ठी दे विच कहिंदे आना लाया गड्डे नूं पैसा लाया खोता, आखी भाभी खानों नूं तेरा देवर है सिंह बोता। लिखिया कहिंदे भाभी खानों नूं आखी कि उहदा देवर बोता सिंह आ चिट्ठी लिख रहा। हुण खानों कौन सी ते उहनूं भाभी क्यों आखिया? यह खानों जकरिया खां की भैण सी जिहड़ी फैजलपुर फरजुल्ले खां नाल विआही होई सी, ते फैजलपुर उत्थे रहिंदी सी, ते बड़ी जालम सी, इहने बड़े सिंह मरवाए ने, बड़े सिंघां दी शहीदी इसने करवाई है इस जालम इस्तरी ने। ते नवाब कपूर सिंह दे पिंड विआही होई सी, ते नवाब कपूर सिंह दे भरा लगे भाई बोता सिंह दी, क्योंकि गुर भाई ने सारे भरा ने, ते कहिंदे इस करके साडी भी भाभी होई। ते भाई बोता सिंह ने लिखा भी आखी भाभी खानों नूं तेरा देवर है सिंह बोता। इवें हासों इनी चिट्ठी बना के एक राहगीर नूं दित्ती भी लाहौर पहुंचाई आ चिट्ठी नूं, सीधा जा के जकरिया खां दे हाथ दे विच चिट्ठी देनी है। लोहरा खान बहादुर नवाब की खानों वड्डी सो भैण। खान बहादुर जकरिया खां दी वड्डी भैण लगदी सी आ बीबी खानों, ते जकरिया खां दी वड्डी भैण सी। फरजुल्ला खां की इस्तरी खालसे बड़ दुख दैण। फरजुल्ला खां दे घरे व्याही होई सी, उहदी घरवाली सी, उसकी बेगम सी, ते वड्डी डैण लिखिया इस नूं। कहिंदे खालसे नूं बड़े दुख दित्ते इसने, इस वड्डी डैण ने बड़े सिंह मरवाए ने फरजुल्लेपुर दे विच। बाद दे विच जदों नवाब कपूर सिंह ने मिसलां बनाईआं, हमला कीता, ते फरजुल्लापुर नूं बदल के अपनी मिसल दे नां ते पिंड रखिया फैजलपुर, फिर बदलिया जिन्हां नां होया सिंघपुरिया मिसल। इस प्रकार कहिंदे ये खानों ये फरजुल्ले खां दे घरे व्याही होई सी। जा भई खानों सुन दई फौज चढ़ाए। खानों ने सुनिया कि मैनू मजाक करदे ने सिंह, इन्हां दी इन्नी जुर्रत, उसे वेले फौजां भेज दित्तियां लाहौर तों। सो सिंघण ढिग पहुंची आए, ते आ के सारियां फौजां उत्थे आईयां जिथे सिंह बैठे सन दोवें जाणे। खड़ो सिंह इक थो ते थाई, ते जाके वेख्या कि दो ही सिंह ने बस, एक सिंह खड़िया ते एक आराम नाल चौंकड़ी मार के बैठा टैक्स वसूलदा है। दूजा चलिया थो रमणे दाई, ते वेख्या जाके उस वेले एक सिंह बैठिया सी ते दूजा रमण लई जा रहा सी। रमण कहिंदे जंगल पाणी नूं, ओ सिंह दूजा ओ जंगल पाणी नूं हजे चलिया सी। वेख फौज मुड़ आयो सोए, ते जदों ओ दूजे सिंह ने वेख्या भाई गरजा सिंह ने भी फौजां आ गईआं, ते उसे वेले गरजा सिंह वापस मुड़े आया भी पहला इन्हां नूं जा के दो दो हत्थ कर लईए, जंगल पाणी बाद च करांगे। ते ओ गरजा सिंह वापस पिछे नूं मुड़ आया। ललकारो दीन गुर फतेह बुलाई, ते ललकारा मारिया गुरु के पंथ खालसे ने किदां जदों ये तुरक आए ना, वेख्या भी तुरकां दी फौज आ गई घोड़िआं ते चढ़ी। दोवां सिंघां ने फतेह बुलाई, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उच्ची आवाज च इन्हां दा आओ भगत कीती स्वागत कीता है। इम दो सिंघ भए तैयार, दोवें सिंघ तैयार हो गए। कहिंदे ओ गरजा सिंहां ओ आ गए ने जमदूत इधरों लाहौर तों, जिन्हां नूं उड़ीकदे सी कई दिनां दे ये आ गए ने, आ इन्हां दा स्वागत करिए। दोवें सिंघ तैयार होए ने, हथ इक सोटा गल तरवार। सार संगत जी दोवां सिंघां दे कोल की है? भाई बोता सिंह दे कोल है सोटा, जो चिट्ठी विच लिखा नी अपने शस्त्र भी बकायदा लिखे मेरे हाथ विच सोटा मोटा, मैं राह दे विच खलोता। एक दे कोल लक्कड़ दा मोटा सोटा है, ते एक दे गातरे तलवार है। दूजे हथ नेजा इक फला, ते दूजे दे कोल गातरे तलवार ते हथ दे विच इक बरछा फड़िया होया है। किले बाहर सिंह निकल खला, जिहड़ी ओह छन जी पाई सी ना लक्कड़ां दी,
सिंह उस छन तो बाहर आ गए चुंगी तो तब तुरकन ज्यों बचन पुकारे तुरकां ने हुण उच्ची आवाज विच बचन कीता ललकारिया इन्हां नूं लड़ना मरो सिंह चलो हम नारे तुरक कहंदे हो तुसी दो जाने हो सिखड़े हो थानू रब का वास्ता कोई अपना बचा करो तुसी दो जाने ते असी सैकड़िया की गिणती दे विच सौ सौ बंदा असी नाल लिआए आ हाथ जोड़ो ते साडे नाल चलो थानू बख्शी करा दईए थोड़ी जान माफी करवा दईए बादशाह तो तैनू लै संग नवाब मिलाऊं आ थानू नाल लै चलिए नवाब तो माफी दिला दईए जां बख्शी कर तुझे सड़ाऊं जे बादशाह खुश होया तो थोड़ी जान भी बख्श देवेगा सिंह कहे हम कब जान बचावे सिंह कहंदे ओए असी कदों का आख्या थानू भी साडी जान बख्शी करो असी तां तुहानूं कदों दे उड़ीकदे हां हम तो मरना आप तकावें असी तां अपना मरना आप मंडिया होया कदों दे थाडी उड़ीक करदे आ बैठे दोहरा हम सो लड़ना झव करो घोड़े ते उतराए इस करके हुण साडे नाल तुसी आ गल्ली बाती ना करो छेती छेती घोड़े तो थले उतरो ते आण के दो दो हथ करो तुम हथियार सो हथ रखो हम सोटे लावें ताए हां थानू ए भी विकल्प दे दिंदे आ तुसी हथियार लै आओ जो जो जिहदे नाल लड़ना तुसी बरछा नेजा बंदूक जो मर्जी लियाओ ते असी सिर्फ सोटियां दे नाल लड़ांगे लकड़ दे सोटे ने इन्हां नाल ही असी लड़ांगे चौ भाई देखो सोटे जो देखे सोटे सो क्या हम ते सरे आ वेखो साडे कोल तां कोई हथियार भी नहीं आ लकड़ दे आ सोटे ने इस तो वध तां कोई हथियार नहीं साडे कोल क्या क्या हिम्मत हम तुम करे ते तुसी हिम्मत करो आओ अगे ते सानू आके फड़ लो पा दो हथां विच हथ कड़ियां पैरां च बेड़ियां पा लवो फिर तुरक कहे चल हमरे साथ तुरक कहंदे ओ नहीं सानू तरसांदा तुहाडे ते तुसी साडे नाल लाहौर चलो हम तुम्हें करावे कचहरी बात असी तुहाडी गल करा देवांगे बादशाह नाल कचहरी विच सिंह कहे हम तुम क्या गल सिंह कहंदे ओए असी नहीं गल करनी तुहाडे नाल साडा ते तुहाडा की मेल असी नहीं गल करनी तुहाडे जगरिया खान नाल करां कचहरी अगे सो चल ते असी तां अगली कचहरी विच जाणा उत्थे जाके नबेड़े होणगे दरगाह दे विच हम तुम सो अवसत्रण मेल तां जे गल होएगी तां आ वेखो आ तलवारां नाल गल होएगी हुण तां शस्त्रां नाल ही गल होवेगी सोटे ढीम मलावें सेल ते आओ जरा आके करो हमला ते इधर सिंघां ने सोटा फड़िया ते हथ विच रोड़ा ही फड़ ले ढीम इट्टां फड़ लईआं लोहरा हम आवत हैं पास तुम कहो ना खबर हम कीन ते सिंह कहंदे जे तुसी नहीं आउंदे घोड़े भजा के तां असी आ जांदे आं कोल असी आके नेड़े आके थानू मिलदे हां दौड़ करी तन सिर ज्यों खड़ो तहां जालीन उसे वेले दोवें सिंघां ने हमला कर दिता भज के ना इन्हों के अगे जाके सिंह भज पे हथा के इटा रोड़े फड़े ने ते मोढ़े दे उत्ते सोटा चक्या होया है जाओ भाई दौड़ सिंह ने तो शस्त्र चलाए उसे वेले सिंह ने भजे जाने ने दूर ही इटा रोड़े भगा के मारे हन हथ सिंगण के तुरक न आए ते तुरक ओ दूर खड़े सी घोड़िया के उत्तों एकदम हिलजुल हो गई सोटे ढीम तब सिंगण चलाई सिंह ने उसे वेले दूरों दी इटा रोड़े मारने शुरू कर दिते मीह बरा दिता तुरक सो घोड़े गए हिलाई ते तुरकां ने जदों इटा वजदियां रोड़ा वजदा घोड़िया के भी वजदे रोड़े रोड़े का की पता कित्थे वजे नक मूह च मत्थे ते ते किसे तुरक दे वजदा रोड़ा किसे दे सिर च किसे दे घोड़े ते एकदम घोड़े इधर उधर नूं भजदे ने तुरक जिंद को चाहें बचाई ते तुरक अपनी जान बचाउंदे ओ सिखां दे तां रोड़े आ इट्टां तोप दे गोले वांगू वजदे हन सिंघण चिंता जिंद ना काई सिंघां नूं तां चिंता कोई नहीं सी सिंघां नूं चिंता नहीं सी क्योंकि ओ किस वास्ते लड़ रहे ने ओ लड़ रहे ने धर्म युद्ध के चाहे कलगीधर महाराज ने बाणी लिखी ना जड़ी दसम दी ओ बाणी पढ़ के पाणिया नूं भी अग लग जांदी आ उहदे विच लिखिया महाराज अवर वासना नाहे प्रभ धर्म युद्ध के चाहे उहदा धर्म युद्ध दे लई सिंघ लड़ रहे हन जिधरों शस्त्र तुरकण आवे तुरक जिधरों दी आण के शस्त्र मारदे ने घोड़ा कोई अगे भजा के सिंह सो दौड़ उत है वल धावे सिंह उसे वाले पासे नूं अगे होके भजदे वी आ जा तूं आ जा अगे
तू बलवान है तू लड़ साडे नाल पहुंच तुरकन शास्त्र लगावे सिंह भज भज के तुरकां दे कोल जांदे उन्होंने शरीरां दे उत्ते शस्त्र मार दे अपना नहा शरीर बचावे ते अपने शरीर की परवाह नहीं करदे सिंह क्योंकि उन्होंने तो मरना मंडिया ना शहीदी पाण दा चा है कदों शहीदी होवे ते कदों जाके साहबजादियां दी गोद विच बैठीए जाके भरावां नूं मिलीए जाके सिंघां नूं तां शहीदी पाण दा चा है तुरकण ते निज शरीर चरावै ते अगे हो के शरीर दे उत्ते फट सहारदे ने पिंडे दे उत्ते कपड़ा भी कोई नहीं पर तेड़ कछहरों दे सिर दे उत्ते दमाला है तेड़ सिंघां दे कोई शरीर दे उत्ते कपड़ा भी नहीं बस्तर नहीं लगा शास्त्र तन खुशियां आवै जदों शरीर दे उत्ते कोई पिठ ते हमला हुंदा मोढे ते तलवार वजदी लहू निकलदा कट वजदा फट वजदा सिंह खुशियां मनाउंदे हन सोची खेल खेलै जन सिंह इदां सिंह पैकड़े दे उत्ते लड़दे जिवें कोई शतरंज दी बाजी दी सोची नहीं खेड़दा जिवें सोची दियां गीटियां चलदियां ने उदां सिंह लड़दे ने भरै छोटी कत लंबी डिंग सिंह कदे क छोटी छाल मार दे कदे लंबी डिंग पट के जांदे तुरकां कोल तुरक भी हल्ला कर कर मारै ते तुरक भी हल्ला करदे ने या अली दे नारे लाउंदे अल्लाह अकबर कह कह के अगे वधदे ने मार घोड़ना चाहे फेटन डारै ते तुरक घोड़ियां दे उत्ते बैठे कि घोड़ियां दे टापां थले देख ना सिंघां नूं मार दईए सिंह उठ कब गिर पड़े कब फिर जाहे खलोई सार संगत जी घोड़िया की फेट बाजी सिंह डिग पैंदे ने फिर खड़े हो जाते फिर डिगदे ने फिर खड़े हो जाते ने तुरकन के हाथ शास्त्र लख सिंह खाली डरे ना तोए तुरकां दे कोल का शस्त्र ने किसे कोल बरचा किसे कोल कटार किसे कोल नेजा ते सिंघां दे कोल बस लकड़ दे दो सोटे ने मोटे चौपाई सिंह करै न जान प्यारी सिंघां नूं अपनी जान कते प्यारी नहीं है डरै ना तुरक बिन शास्त्र विचारी ते विचार नहीं करदे केड़ा तुरक केड़ा शस्त्र चलाउंदा इहदी परवाह नहीं सिंघां नूं बस एकदम सामने हो के कुद पैंदे हन दोनों के दिल बड़े हुलास उहनां दे मन विच ना हुलास आउंदा हुण हुलास क्यों है क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी आखदी है रण देख सूरज चित हुलास रण तत्ते का मैदान देख के ना कायर तो भज जाते ने बुझदिल पर जेडे सूरमे उन्होंने मन में खुशियां आउंदियां भी अज जंग करांगे दोवे सिंघां ने मन में खुशी है लख खाली हुण मरन प्यास देखदा सिंघां ने वे हुण असी शहीदी पा जावांगे हुण शहीदी पाउण का वेला नेड़े आ रहा है दोहरा चाम मास शास्त्र लगा तो सिंह मानै नाही सिंघां दे शरीरां दे उत्ते चाम चम कहिंदे ने चमड़ी जदों चम दे उत्ते मास दे उत्ते शस्त्र वजदा है सिंह खुशियां मनाउंदे ने डर नहीं मनदे सी नहीं करदे हाड लगै तब बल कटै तब सिंह कसू को थकाहे सार संगत जी जदों किते वार हड्डी तक पहुंच जांदा है ना चमड़ी दे वार वजे मास कटिया जांदा है सिंह नहीं भोरा हिलदे कहिंदे पर जदों हड्डी दे वार वजदा ना आण के जदों हड्डी तक तलवार पहुंच जांदी तुरकां दी उस वेले सिंघां दा बल घट जांदा है जदों मोढे दे वार वजदा ते सिंघां दी बाह नहीं चलदी चंगी तरह लत्तां दे वार वजदा पिन्नणी आंदे पर तुरिया नहीं जांदा चंगी तरह कहिंदे उस वेले फिर सिंघां दा बल घट जांदा है चौपाई तीर लगा सिंह पट सतावै ते सिंह इह जिहड़े तुरक ने की करदे दूरों तीर मारदे कहिंदे इहनां दीआं लत्तां 'च तीर मारो जिहड़े बथेरे पैक ने मार मार के अगे वध ना छाला मार के ते इन्हां सिंघां दे पट्टां दे विच तीर मारो तुरकण कोसो अखीं दिखावै ते सानूं अखां दिखाउंदे ने जिवें जिवें सिंघां दे तीर वजदे शस्त्र वजदे उवें होर अखां अड अड के डराउंदे तुरकां नूं सिंघ कहै तिलक तुमरे तीर सिंघ तां वी कहिंदे ने ओ तरकार है तुहाडे तीरां ते ओ तुरको मलेछो पापीओ ਇਹ ਕਾਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰ ਨੇ ਕਾਨੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕ ਰਹੇ ਇਹ ਤੀਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਤਰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਰਾ ਚੀਰ ਨਾ ਸਕੈ ਸਰੀਰ ਇਹ ਕਾਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਾ ਚੀਰ ਸਕੇ ਆ ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਇਹ ਤੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਨਹੀਂ ਚੀਰਦੇ ਤਬ ਲਾਗੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੁਰਕ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ
ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸੋਟੇ ਸੋ ਰੋਕੈ ਤਾਣ, ਸਿੰਘ ਉਧਰੋਂ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਰੋਕਦੇ। ਦੋਵਣ ਸਿੰਘਣ ਲਈ ਪਿੱਠ ਜੋੜ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਵਰਤੀ। ਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਿੱਠਾਂ ਜੋੜ ਲਈਆਂ, ਭਾਵ ਤੁਰਕਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੀਰ ਵੱਜੇ, ਮਤਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਖਾਈ ਹੈ, ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿੱਠਾਂ ਜੋੜ ਲਈਆਂ। ਸੋਟਣ ਸੌਂਦੇ ਘੋੜੇ ਮੋੜ, ਸਿੰਘ ਸੋਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਤੁਰਕ ਆਉਂਦਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੋਟਾ ਮਾਰਦੇ ਸਿਰ ਚ। ਦੋਹਰਾ ਘੋੜੇ ਛੱਡ ਪਿਆਦੇ ਭਏ ਡਾਹੇ ਆਗਾ ਢਾਲ, ਤੇ ਤੁਰਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਪੈਦਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਰਕ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸੋਟਾ ਮਾਰਦੇ ਤੁਰਕ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਟਣ ਸੋ ਹੁਣ ਢਾਲ ਕੋ ਕਿੰਨੋ ਬਰੋਹ ਵਾਲ, ਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾਰ ਵੱਜੇ ਢਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਾਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਲੱਕੜ ਦਾ ਭਾਰਾ ਸੋਟਾ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦਾ ਢਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਢਾਲਾਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਜੋ ਭਈ ਤੋ ਤੁਰਕਣ ਨੇ ਮਾਨੀ ਆਣ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ। ਸਿੰਘਨ ਪਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤਾਣ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੋ ਤੁਰਕਣ ਬੰਦੂਕ ਸੰਭਾਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਕ ਆਖਦੇ ਉਹ ਲਿਆਓ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਹੁਣ ਨੀ ਇਹ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਖ, ਹੁਣ ਬੰਦੂਕਾਂ ਖਿੱਚੋ ਆਪਣੀਆਂ। ਲਾਵੇ ਸਿੰਘਣ ਗੋਲੀ ਭਾਰੀ, ਦੂਰੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗਦੇ ਹਨ। ਜਹਾਂ ਲੱਗਾ ਹੱਡ ਦੇ ਵੈ ਤੋੜ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਹੱਡ ਭੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ। ਸੋਟੇ ਲਾਵੇ ਹੱਥ ਦੈ ਫੋੜ, ਸਿੰਘ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਟੇ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੰਘਣ ਸੋਟੇ ਹੱਥ ਖੱਬੇ ਫੜੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੇ ਨਾ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਨਾਲੇ ਸੋਟਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਬਾਂਹ ਤੋੜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਂਹ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ 'ਚ, ਉਹ ਭੰਨੀ ਗਈ, ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਟੇ ਫੜ ਲਏ। ਮਾਰ ਮੰਦੂਕਣ ਲੰਗੜੇ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਬ ਸਿੰਘਣ ਕੀ ਟੰਗ ਦਈ ਤੋੜ, ਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੱਤ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਕਹੇ ਸਿੰਘਣ ਆਵ ਮਿਲੋ ਹੱਥ ਜੋੜ, ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਜਰਾ ਕੁ ਮਿਲੋ ਆਣ ਕੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਤ ਹੀ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਆਓ ਜਰਾ ਹੁਣ ਮਿਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਮਰੀ ਆਬ ਹਮ ਬਖਸੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਤੁਰਕ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਧ ਮਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਸੋਟੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਆਓ ਜਰਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ। ਦੋਹਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਠੇ ਇੱਕ ਟੰਗ ਸਿਓ, ਇੱਕ ਟੰਗਣ ਕੀ ਤੋਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਉੱਠੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਲੱਤ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਲਹੂ ਨੁੱਚੜਦਾ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਇਆ ਬਤ ਕਰਲਾ ਕਰੈ ਮਾਰ ਸੋਟਣ ਸਿਰ ਦਿਓ ਫੋਰ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੜਦੇ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਚੋ ਪਈ ਤੋ ਉਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਗੋਡਣ ਕੂਣ ਉਤੇ ਬਲ ਗਏ। ਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਸਿੰਘ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੂਣੀਆਂ ਅੜਾ ਲਈਆਂ, ਕੂਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਂਗ ਰੇਂਗ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁੜੀ ਨਾ ਆਖ, ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਪਕਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਗਏ ਬਟ ਹਮ ਆਖ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਹਰ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਸੋਈ ਮੋੜੇ, ਜਿਸ ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਸੰਕਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੋੜਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਆਸਾ ਤਰੀ ਨਹਿ ਬਹਿ ਆਖ ਸੁਰਾਏ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਸਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਨਮੁਖ ਸੂਰੇ ਭਿੜਤ ਹੈ ਆਖਣ ਆਖ ਮਿਲਾਏ, ਜਦੋਂ ਯੋਧੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਲਾਲੀ ਮੁੱਖ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈ ਮੁੱਖ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖਾਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੂਣ ਸਵਾਈ ਲਾਲੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾ ਭਾਈ ਟੂਕ ਟੂਕ
तुरकण करे मत सिंह फेर ना होवै खरे। जदों इन्हां तुरकां ने उन्हां रेंगदे होए सिंघां जिहड़े कूहियां दे आसरे भी अगे वधदे ने ना तुरकां ने आके उन्हां लम्मे पए सिंघां नूं तड़पदे सिंघां दे उत्ते वार कीते वी इह मुड़ के खड़े ना हो जाण। इस वित सिंघण शहीदी पाई सार संगत जी उन्हां जदों सिंघ शहीद भी हो गए ना तां वी इह तुरक मरे होयां नूं उन्हां डिगे पयां दे उत्ते फेर वार करी जांदे वी इह खड़े ना हो जाण मता किते फेर जिउंदे हो जाण। धन माता धन पिता उस भाई इस प्रकार दोवे सिंह भाई बोता सिंह ते गरजा सिंह शहीदी पा गए। उन्हां दी मां भी धन है उन्हां दा पिता भी धन है। धन पिता जी जाया धन जननी प्रधान कहंदे उन्हां दी मां ते पिता भी धन है। जाए रले वै शहीदन डेरे उह सिंह शहीदी पा के किथे उन्हां ने डेरे लाए शहीदां दे नगरी विच सचखंड दे विच डेरे लाए हन। पीर पैगंबर फड़ जन घेरे ते उत्थे जिहड़ा सचखंड दा वरतारा की है उपर शहीदां सिंघां ने ना इन्हां दे पीर पैगंबर फड़े होए ने तुरकां दे। शहीदी वड्डी बोता सिंह लई इस प्रकार भाई बोता सिंह ते गरजा सिंह ने वड्डी शहीदी प्राप्त कीती है। रतन सिंह सुन सोई कही ते प्रसंग भाई रतन सिंह पंगू जी ने लिखिया शहीद सिंह सचखंड विच बैठे तुरकां दे पैगंबर फड़े हुए ने वी उह पापीओ तुहाडी उम्मत ने आ कुछ कीता साडे सिखां नाल उत्थे भी फड़े हुए ने पैगंबर इन्हां दे ते इत्थे भाई बोता सिंह ते गरजा सिंह ते सिर्फ इस वास्ते शहीदी पाई तां कि दुनिया नूं पता लग जावे कि गुरु का खालसा मरिया नहीं हजे भी जिउंदा है। ते साध संगत जी इस साखी तों इह सिख्या लैणी चाहीदी है कि खालसा तां अदे भी खत्म नहीं होया कि जदों सिर्फ दो सिंघ रह गए सी जदों पंजाब च कहदा सी ना जकरीए ने कि खालसा मैं खत्म कर दिता उस वेले भी आ दो सिंघ जिउंदे रहे ने ते इन्हां ने खालसे दी ओह बुझदी शमा फिर जगा के रखी ते अज तां आपां इन्नी गिणती दे विच आ। मत कहा करिए कि असी घट गिणती आ असी खत्म हो रहे हां नहीं गुरु का पंथ खालसा सदा चढ़दी कला दे विच है। नमस्कार है इन्हां शहीदां सिंघां दे चरणां दे विच धन जननी जिन जाया धन पिता प्रधान उन्हां दी मां भी धन उन्हां दे पिता भी धन है। कोटान कोट नमस्कार शहीदां सिंघां दे चरणां विच। वाहेगुरु 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 वाहे।